अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यास्मीन्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रमजान स्पेशल इफ्तारी के लिए ब्रेड पकोड़ा। टू पोटैटो लिया है, इसे बॉईल कर लिया है, सॉल्ट और टर्मरिक डाल के इसे हाफ हाफ कट कर लिया है। इसे अब हम मैश कर लेंगे। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इसी में अब डालेंगे थोड़ा सा करी लीव और टू ग्रीन चिल्ली कटे हुए और थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ कटे हुए, इन सबको इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे क्योंकि आलू में पटाटो में सॉल्ट डाला हुआ है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे। अब ऐड करेंगे टू मीडियम साइज के आनियन, इसे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ इसमें डाल देंगे। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। इसे ब्रेड स्लाइस ले लेना है दोस्तों, इसे साइड वाले हिस्से को नहीं कट करना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ग्रीन सॉस लिया है, टमाटो केचप लिया है। अब अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। अब टमाटो सॉस लेंगे, ये भी इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। पटाटो वाला स्टफिंग लिया है, इसमें रख देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से चारों ओर से स्प्रेड कर लेंगे इसे। और एक ब्रेड स्लाइस लिया है, अब इसे ऊपर रख के ढक देंगे। इस तरह से लाइट सा प्रेस दे देंगे हाथों से। देखिए दोस्तों, इस तरह से हाफ कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से कट कर लिया है। एक एक करके सारे इस तरह से बना के कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक एक करके इस तरह से सारे बना लिए हैं। इसे साइड में रख देंगे। अब बेसन 2 कप लिया है एक बाउल में। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा तरा पाउडर, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सोडा पाउडर डाल देंगे। अब वाटर डाल के थोड़ा थोड़ा सा एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी में थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डाल देंगे कट करके और इसे मिक्स कर लेंगे। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसमें डिप कर लेंगे इस तरह से। एक कढ़ाई लिया है, इसमें ऑयल डाल दिए हैं, ये ऑयल हीट हो चुका है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक एक करके इस तरह से सारों को फ्राई कर लेंगे। इसे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से गोल्ड हो चुका है। इस तरह से सारों को फ्राई कर लेंगे। बाकी वाले को भी इस तरह से डाल के फ्राई कर लेंगे और सारों को निकाल के प्लेटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से प्लेटिंग कर लिए हैं ब्रेड पकौड़ा को। आप इफ्तारी में जरूर ट्राई कीजिए रमजान में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।